तो जर्नी तो बहुत अच्छा था. आई एम थैंकफुल टू मंजिंग कि हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया रिसोर्स पर्सन बनने का. तो रिसोर्स पर्सन का हिसाब से मेरा टारगेट ये था कि बच्चा लोग को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है वो सिखाए, कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंस है. इसका बात और एक बात ये था कि एजुकेशन का अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है हम लोग का, जैसे कि पेंटिंग, आपका सिंगिंग, डांसिंग या स्पोर्ट्स, तो ये सब का भी इम्पोर्टेंस उन लोग को बताया. इसका बाद इसमें भी उन लोग अपना करियर को परस्यूट कर सकता है, ये चीज़ उन लोगों को बताया. उसका बाद दूसरा चीज़ ये था कि तो ये सब चीज़ में करियर में सक्सेस होने के लिए, ये सब को करने के लिए जो करियर ऑप्शन है उसको परस्यू करने के लिए, हमने उसको बताया कि अगर नशा करता है या ड्रग्स या कुछ भी चीज़ जो लेता है तो उससे उनका करियर जो है हैम्पर हो सकता है, उनका गोल को अचीव करने में हर्डल्स आ सकता है, ये चीज़ हमने उनको बताया. स्टूडेंट का एनवायरनमेंट तो काफ़ी चेयरफुल था. जैसे कि जब हम लोग फर्स्ट दिन कानूबारी में आया तो उसमें अराउंड 300 कैंडिडेट्स आया, तो बहुत इंटरेक्टिव सेशन था. फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जो अपना थोड़ा जो टाउन एरिया और गांव वाला का बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. जैसे कि हम लोग जब यहाँ में कानूबारी में आया और मोपाकाट में गया तो यहाँ का स्टूडेंट लोग काफ़ी एक्टिव और इंटरेक्टिव था. उसके बाद हम लोग बानफेरा में गया, वहाँ पे जो स्कूल में थोड़ा स्टूडेंट लोग में इंटरेक्टिवनेस थोड़ा कम देखने को मिला, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीज़न वो लोग थोड़ा टाउन से भी दूर है, थोड़ा उन लोग का टीचर्स वगैरह का भी कमी है वहाँ पे, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हम लोगों को इंटरेक्शन कम देखने को मिला. उसका बाद हम लोग चोपनू गया, चोपनू में भी काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ. इसका बाद हम लोग यहाँ में आज रंगलवा में गया और उस स्कूल में भी बहुत सारा मतलब हम लोगों ने डिस्कशन किया और इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था. और हमको ऐसा लगता है कि ऐसा अवेयरनेस जो काउंसलिंग जो है ये फ्यूचर में भी होते रहना चाहिए. तो जैसे कि अभी हम लोग स्कूल स्टूडेंट्स का लिए किया ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक के लिए, तो ऐसा अवेयरनेस जो काउंसलिंग जो अपना जो बीए कर रहा है जो बाहर में भी है उन लोगों के लिए भी होना चाहिए. इसके बाद जो दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ऐसा काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी है फ्यूचर में. लास्टली मैं अपील करना चाहूँगा हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और जितना भी हमारा पॉलिटिकल लीडर्स है, बिजनेस कम्युनिटी है, जितना भी इंटेलेक्चुअल है, सारा पूरा वंचों का मैं सबको अपील करना चाहता हूँ. इस तरह का प्रोग्राम अगर कोई आयोजित कर रहा है होने से सब लोग आ करके समर्थन करना है, सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, फिजिकली. मैं इसके लिए सबको अपील करता हूँ इस तरह का प्रोग्राम को सपोर्ट कर देना है. मैं हूँ तिंगो वंशू, लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट. यहाँ पे है चोपनू यूपीएस स्कूल में, बनफेरा से आया है, बनफेरा यूपीएस स्कूल से. आज का प्रोग्राम था ये ड्रग्स अवेयरनेस कम एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम एंड कैरियर काउंसलिंग का ऊपर पे. वहाँ पे हम लोग स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ है, स्टूडेंट को हम लोग एडवाइस किया है, मोटिवेशनल स्पीच दिया है कि हम लोग ड्रग्स नहीं पीना चाहिए, ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए. ड्रग्स एक जानलेवा है, ड्रग्स लेने से हम सब सोसाइटी बर्बाद हो जाएगा, खुद का लाइफ भी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए सोसाइटी हम सब अगेंस्ट है कि ड्रग्स नहीं लेना चाहिए. और एजुकेशन में हम फोकस करना चाहिए, एजुकेशन में फोकस करने से डेवलप होगा, सोसाइटी डेवलप होगा और खुद का भी करियर अच्छा होगा. और कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना चाहिए, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंस है बोल के हम लोग ये स्टूडेंट के साथ पास इंटरेक्शन हुआ है. प्रोग्राम में हम लोग ये अवेयरनेस दिया है कि एजुकेशन को लेके हम लोग फोकस करना है बोल के. लेकिन आज हम देखा गया कि स्कूल में टीचर का बहुत शॉर्टेजेस था, इम्प्रूवमेंट इतना दिखाई नहीं दिया है. तो इसमें गवर्नमेंट टीचर ज़्यादा पोस्टिंग करने से अच्छा है, ज़्यादा नहीं, जरूर जितना ज़रूरी है उतना वो लोग पोस्टिंग करने से ठीक है. रेशियो के हिसाब में स्कूल पे यूपीएस स्कूल में 7-2 टीचर होने चाहिए, 7-8 का बात नहीं, जितना स्टूडेंट पॉपुलेशन उसका अनुसार से टीचर होना चाहिए. लेकिन टीचर ऐसा नहीं है. यूपीएस स्कूल बनफेरा में भी हम लोग ऐसे देख के छोड़ा है कि वहाँ पे 200 से ज़्यादा टीचर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 3 ही टीचर थे. और यहाँ में भी 2 टीचर से स्टूडेंट्स, 200 से ज़्यादा स्टूडेंट को उन लोग रन कर रहा है. इसलिए उन्होंने से गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द टीचर पोस्टिंग करें ताकि स्टूडेंट का करियर बर्बाद ना हो. हमारा करियर काउंसलिंग कम ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन जो कि 18 अक्टूबर से कंडक्ट किया गया था, स्टार्ट किया था हमारा स्टडी सेंटर कम
लाइब्रेरी काम स्थायी सेंटर कानोबरी कमेटी की ओर से आज ख़त्म हुआ है। हमारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का मकसद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये था कि क्लास 10 और 12 जितना भी क्लास 10 और 12 का स्टूडेंट्स है, क्लास 10 पास होने के बाद कौन सा स्ट्रीम में जाना चाहिए, कौन सा पढ़ाई करना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, वो चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूज़न होने का वजह से स्टूडेंट को अवेयरनेस देने के लिए और क्लास 12 वाला लोगों को भी कौन सा कॉलेज किस तरह से जाने से ठीक है और क्या चीज़ पढ़ने से ठीक है वो अवेयरनेस देने के लिए हमारा प्रोग्राम था। और क्लास 6 to 9 हम लोग इंक्लूड किया है, क्लास 6 to 9 स्टूडेंट्स लोग को भी, वो लोग को इंक्लूड करने का मकसद ये था कि उन लोगों को फाउंडेशन क्लास 10 अच्छा से पास होने के लिए एक अच्छा से पढ़ाई करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्लास 6 7 8 अच्छा से पढ़ाई करने से क्लास 10 एग्ज़ाम अच्छा से पास हो पाएगा अच्छा परसेंटेज का साथ, यही हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव था। और ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन जो कि आजकल बहुत ही ज़रूरी है, ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन रखने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत इन्फ्लुएंस हो गया है ड्रग्स का, के ड्रग्स केस जो है बहुत इधर उधर हर जगह में बहुत निकल गया है, तो वो चीज़ नहीं होने के लिए हम लोग कोशिश अवेयरनेस देने के लिए कोशिश किया है। तो हमारा थ्री डेज प्रोग्राम आज एंड हुआ है जो कि 20 अक्टूबर 2021। हमारा प्रोग्राम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कानोबरी, मिडिल स्कूल मोपाखाट, मिडिल स्कूल बानफेरा, मिडिल स्कूल चोपनू एंड गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल रंगलोह, आज रंगलोह में हमारा प्रोग्राम हुआ है। वो प्रोग्राम में जितना भी ऑर्गेनाइजिंग टीम का साथ योगदान दिया, मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले रिसोर्स पर्सन न्यातुम, श्री न्यातुम डोके सर, हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का डिप्रो है और जुबम ब्लॉक का भी सीईओ इंचार्ज है, उसको मैं तहे दिल से हमारा ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। 3 days 6 स्कूल्स में वो घुमा है हमारा साथ, अपना टाइम बिजी शेड्यूल को अपना टाइम को निकाल के वो हमारा स्टूडेंट्स के लिए घूम दिया है, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और 3 days में अलग अलग जगह में अलग अलग हमारा स्पेशल गेस्ट था। फर्स्ट डे को हमारा ADC कानोबरी श्री टी आरान जी,